Hi guys, what's up and welcome back to my channel Real Hub with Jyoti Sinha. How you all are doing? So guys, आज की जो वीडियो है इट इज ऑल अबाउट द हेयर केयर एंड हेयर आई एम गोना टेल यू कि ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आपको मेहंदी में मिक्स करनी है विच इज गोना हेल्प योर हेयर सो मच टू गेट ग्रो एंड द टेक्सचर उसका अच्छा हो जाएगा एंड इट विल बी रियली मैजिकल. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. हाय गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो हमने आंवला यूज़ किया उसके बेनिफिट ये हैं हमारे स्कैल्प पे. स्ट्रेटन करता है हमारे स्कैल्प एंड हेयर को एंड रिड्यूस करता है प्रीमेच्योर पिगमेंटेड लॉस को जो कि हमारे हेयर पे होता है, या फिर अगर आपके हेयर ग्रे हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस करता है यहाँ पे, और स्टिमुलेटेड करता है हेयर ग्रोथ को एंड रिड्यूस करता है हेयर लॉस को. एंड गाइस, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या फिर ड्राई स्कैल्प का प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करता है, और ये प्रिवेंट करता है हमारे हेयर को जो लीस हो जाते हैं, लीस काइंड ऑफ इन्फेक्शन से भी हमारे हेयर को प्रिवेंट करता है. सो गाइज, लेमन जो है वो हमारे स्कैल्प पे बहुत सारा फ़ायदा देता है. व्हेन यू फाइंड ग्राइम एंड डस्ट कलेक्टिंग ऑन योर स्कैल्प, सो वो टाइम होता है जिसे हमें लेमन की हेल्प से यूज़ करके उसे हमारे स्कैल्प से दूर करना होता है. एंड लेमन प्रमोट्स हेयर ग्रोथ ऑल्सो, तो अगर आपके हेयर ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें लेमन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है. लेमन जो होता है वो रिच होता है विटामिन सी में, विच इज़ अगेन वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर एंड मेंटेन करता है स्कैल्प की हेल्थ को. एंड इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल जो प्रोडक्शन होता है ऑयल का आपके स्कैल्प पे, जिससे कि आपके जो हेयर है बहुत ही ज़्यादा ऑयली नहीं लगते हैं हेयर वॉश करने के बाद. एंड गाइज, इट रिफ्रेश योर हेयर. सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस नेहा मेहंदी का, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से. एंड गाइज, इसमें मैं अपने हिसाब से, मतलब कि मुझे, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ फॉर टू पीपल, वन फॉर मैन एंड वन फॉर वुमेन. सो अकॉर्डिंगली मैं इसका क्वान्टिटी लूँगी. आपको जितना यूज़ करना है आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली आपको इसे यूज़ करना है. और ये मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी वाटर. सो गाइज, अकॉर्डिंग टू दी NCBI स्टडी, जो कॉफ़ी होती है वो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है एंड फाइट करती है हेयर लॉस से. एंड अगेन ये बूस्ट करती है ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प पे, जिससे कि हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. कॉफ़ी इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर डिटॉक्सिफाइंग स्कैल्प. इससे क्या होता है कि हमारी स्कैल्प जो है वो जितनी क्लीन और जितनी अच्छी रहेगी, हमारे हेयर जो है उतने ही अच्छे और घने होंगे. एंड कॉफ़ी कैन इन्हेंस योर हेयर टेक्स्चर ऑल्सो. सो गाइज, इस मेहंदी को रखने के बाद 2-3 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से फूल चुकी है, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं अपने सेकंड डे वॉश हेयर. और ये ग्लव्स में यूज़ कर रही हूँ. इस तरीके के आप ग्लव्स मंगा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, तो आराम से आप इसे 10 से 15 बार यूज़ कर पाएंगे. एंड फर्स्ट मैं मेहंदी को जब अप्लाई करती हूँ अपने स्कैल्प पे, तो मैं ट्राई करती हूँ कि पहले मैं ओनली स्कैल्प एंड स्कैल्प ही कवर करूँ. इससे क्या होता है कि जब आप बन बनाने लगते हैं तो आपके स्कैल्प छूट सकते हैं, बट अगर आप पहले पूरे स्कैल्प में लगा लें उसके बाद ऑल ओवर आपके हेयर पर अच्छे तरीके से इसे लगाएं, तो इससे क्या होता है कि आपका कोई भी हेयर का पार्ट छूटता नहीं है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से मेहंदी जो है आपके हेयर पे लग जाती है. सो नाउ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे जूड़ा बनाना शुरू कर दिया है मेहंदी से. इससे क्या होगा कि जो मेरे बाकी के जो हेयर बचे हुए हैं उनमें मेहंदी बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगी, और मेरी मेहंदी जो है वो तुरंत ड्राई नहीं होगी क्योंकि वो आपस में बंधे हुए रहेंगे मेरे बाल. तो इससे क्या होगा कि जो मेहंदी अपने जो काम करने वाली है हमारे स्कैल्प पे वो बहुत अच्छे से करेगी. तो इस तरीके से आप मेहंदी को लगा सकते हैं. सो गाइस, इसे मैंने अपने हेयर पे रखा 3 आवर्स के लिए, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी पूरी ड्राई नहीं हुई है बट ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी ड्राई हो गई है. नाउ आई एम गोना वॉश माई हेयर एंड देन यू विल सी द रिजल्ट कि इतने ज़्यादा आपके बाल हेल्दी आपको फील होंगे और हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस मेहंदी. वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. बाय बाय.